जो मेरे अंदर जो है वो थोड़ी खुशी जो है वो गायब सी हो गई है। इसका रीजन ये है, फ्रेंड सिचुएशन है, फ्रेंड्स ने बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब कर दिया। और हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है बहुत स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना एनिवर्सरी व्लॉग वीडियो। पहले मैं यहाँ पर लंच की तैयारी कर रही हूँ। लंच के लिए मैं यहाँ पे छोले भटूरे बनाने जा रही हूँ। उसके लिए प्याज को मुझे कट करना है, और प्याज कटर जो है कुछ इस तरह का है मेरा, बहुत ही प्यारा सा प्याज कटर है, और इसको मैं मोटा मोटा ही काट लूँगी और उसके बाद मैं इसको इसमें ग्राइंड करूँगी। तो काफ़ी बारीक प्याज कट कर आता है, आप देखना अभी। तो आपको अगर इसे मंगाना है तो आप ऑनलाइन से मंगा सकते हो, अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, बहुत ही सस्ते दाम पर मिल जाता है। और प्याज बहुत ही बारीक कटता है, और जो बारीक कटा हुआ प्याज होता है वो तेल को कम सोखता है, अब्सॉर्ब करता है। जो पीसा हुआ जो मिक्सी में होता है प्याज वो ज़्यादा तेल सोखता है, इसलिए मैंने इसे मंगा रखा है। बहुत ही अच्छा ये काम कर रहा है। और अगर टमाटर अगर आप चाहते हो टमाटर इसको ग्राइंड करना, तो टमाटर भी आराम से आपका ग्राइंड हो सकता है। अभी आप देखना, ये देखो इससे ज़्यादा भी बारीक हो जाता है अगर आप बारीक करना चाहो तो। अब इस तरह से मैं छोले यहाँ पर बना रही हूँ, बस मुझे सीटी इसमें लगाना बाकी है, बाकी सारे काम इसमें हो चुके हैं। और आटा जो है भटूरे के लिए मैं सुबह ही मैंने उसको अच्छे से लगा रखा था, वही मैंने भटूरे के लिए आटे को लगा कर रख दिया था। तो अब मैं पूड़ियों को बेलने जा रही हूँ, और मैंने कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया है तेल के साथ। तो इस तरह से भटूरे को मैं रेडी कर लूँगी, और ज़्यादा कुछ प्लानिंग नहीं किया था मैंने, बस छोले भटूरे बनाना था मुझे और सलाद वगैरह मैंने काट लिया था, और यहाँ पर मेरा जो लंच है वो रेडी हो गया है। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो एक व्लॉग वीडियो है। काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैम आप एक व्लॉग डाली फिर दूसरा व्लॉग डालना ही आप भूल गई हैं, तो आपके रिक्वेस्ट पर आज मैं ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि आज है मेरी एनिवर्सरी डे। तो फ्रेंड्स, सुबह से जो रूटीन होता है, मॉर्निंग रूटीन होता है, वो सब मैंने कंप्लीट कर लिया है अपना। सुबह मैंने मोमो बनाया हुआ था और वो हमने खाया, लेकिन उसका मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि रात को बहुत बारिश हुई थी, बिजली बहुत कड़क रही थी, बहुत आंधी तूफान आ रहा था, जिसकी वजह से लाइट जो है वो चली गई थी। और लाइट आई है 10 बजे के बाद, तो जो सुबह का रूटीन था वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था घर में हमारे। और तो जो सुबह का रूटीन था उसमें मैंने मोमो ब्रेकफास्ट में बनाया था, मैं रात को सारा तैयारी मैंने कर लिया था, और मॉर्निंग में मैंने उसे स्टीम करने के लिए रख दिया था, और फिर हमने मोमो वगैरह खाया। और फिर आज थर्सडे है, तो आज मुझे पूजा भी करना था, तो मैं थर्सडे को हमेशा पूजा करती हूँ। तो आप देख सकते हो कि टीका लगा हुआ है, और मैंने येल्लो कलर की टॉप पहनी है, क्योंकि जो मैं थर्सडे होता है मैं येल्लो ही कलर का टॉप पहनती हूँ उस दिन। तो इस तरह से करके मेरी मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट हो गई। उसके बाद मैं लंच बनाई, उसका मैं क्लिप आगे मैं ऐड कर दूँगी, आप देख लेना आगे या पीछे कहीं पर भी, मैं ऐड कर दूँगी जो लंच मैंने बनाया उसका क्लिप। तो मेरा लंच जो है वो रेडी हो गया है, और अब मैं खाना खाने जा रही हूँ। तो जितना भी शूट थोड़ा बहुत मैंने कर लिया है, आप उसको देख लेना। आपके रिक्वेस्ट पर ही मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ, मुझे व्लॉग करने आता नहीं है, और थोड़ा बहुत ही मैं वीडियो अपलोड किया है मैंने व्लॉग का। तो आज एनिवर्सरी है, बट फिर भी जो मेरे अंदर जो है वो थोड़ी खुशी जो है वो गायब सी हो गई है। इसका रीज़न ये है फ्रेंड्स, की अभी आप देख रहे हो बाहर की जो सिचुएशन है वो कितनी ज़्यादा डेंजरस, बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। लास्ट ईयर भी यही था, लॉकडाउन चल रहा था, तो मैंने घर पर ही केक बनाया था और काफ़ी अच्छे से मैंने सेलिब्रेशन किया था, क्योंकि जो लास्ट ईयर है उसमें जो एजेड जो लोग होते हैं, जो 50 ईयर्स के ऊपर जो लोग होते हैं, उनकी जो हालत है वो ख़राब हो रही थी। बट इस टाइम पर जो सेकेंड लहर चल रहा है इस बीमारी की, कोरोना की, इसमें 30 साल से ऊपर की जो लोग हैं वो ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो अभी कुछ 2-3 दिन पहले एक कॉल आया था ऑफिस से इनके पास कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मुझे और मेरे जीजा जी को कोरोना हो गया है। तो हमने कुछ हेल्प किया, जितना हम कर सकते थे हमने किया उनकी हेल्प, बट उन्होंने आज फ़ोन करके कहा कि उनके जीजा जी जो है वो एक्सपायर कर गए कोरोना की वजह से। कोई भी हॉस्पिटल्स नहीं ले रहे थे, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा यहाँ पर कमी हो गई है जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर। तो इस वजह से जो मूड है बहुत ख़राब हो गया था मेरा, और आज ज़्यादा कुछ प्लान नहीं किया था मैंने बनाने का वैसे भी, बट थोड़ा बहुत जो था वो भी नहीं बना पा रही थी मैं, बहुत मूड जो है वो डिस्टर्ब हो गया था मेरा ये बात सुनकर। और अभी भी हम लोग वही सोच रहे थे बाहर बैठ के कि इतनी ख़राब सिचुएशन हो गई है बाहर की, आप प्लीज़ बाहर तो बिल्कुल भी मत जाओ। अगर आपको सब्जी चाहिए या कुछ चाहिए तो बस उसके लिए ही जाओ, और पूरा अच्छे प्रोटेक्शन के साथ ही आप बाहर निकलो, क्योंकि
जो सेकंड लहर है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक मुझे ये लग रहा है, क्योंकि बताओ उनके जो जीजा जी थे वो 30 साल से ऊपर के थे, मतलब 35 के थे, अभी भी शादी हुई थी उसकी बहन की। मैं नहीं जानती उन्हें, क्योंकि इनके ऑफिस में जो काम करते हैं उनका बस मैंने फ़ोटो देखा है, और उनके जीजा जी को तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानती। बट किसी का न्यूज़ सुन के जो मन होता है वो बहुत दुखी हो जाता है कि ऐसा क्यों हुआ उसके साथ। बस वही मेरे साथ है, बहुत मन जो है वो सेट हो गया है, और आज एनिवर्सरी है तो सेलिब्रेट तो करना ही पड़ेगा जैसे भी तैसे। इन्होंने भी कहा कि थोड़ा बहुत हम लोग कर लेंगे जो भी करना है, तो मैंने खाने में बस ये छोला भटूरा ही बनाया है, और थोड़ा सा सलाद वगैरह में रेडी कर लिया है मैंने, क्योंकि थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, और बाहर तो बिल्कुल भी नहीं जाना है, तो घर पर ही जो है वो मैं डेकोरेट कर लूँगी और घर पर ही हम सेलिब्रेशन कर लेंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स की, जितना हो सके आप सावधानी को बरतें, घर पर भी अगर आप हैं तो घर पर भी आप साफ़ सुथरा सफाई पर आप ज़्यादा ध्यान दें। अगर कोई बाहर से आ रहा है तो वो तुरंत बाथरूम पर जाकर हाथ पैर पाँव अच्छे से धो ले, और जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और इम्यूनिटी को जो बढ़ाने वाले जो खाने होते हैं, खाना होता है सॉरी, उसे खाने की ज़रूरत है। जैसे फल खाइए, सब्जियाँ खाइए, फ्रूट्स खाइए, और जितना हो सके पानी पीजिए, गर्म पानी पीजिए, गर्म पेय पदार्थ खाइए। इससे क्या होता है कि जो कोरोना है उसे लड़ने की हमारे पास ताकत आती है। तो ये जो सिचुएशन है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब कर दिया। और तो चलिए फिर आगे देखते हैं क्या करना है। जो थोड़ा बहुत डेकोरेशन है वो मैं कर लूँगी, मैं आपके साथ उसका क्लिप शेयर कर दूँगी जो भी डेकोरेशन मैं करने वाली हूँ, और रात को या शाम को जो भी टाइम मिलेगा हम उसमें केक कटिंग कर लेंगे। केक तो मैं घर पर ही बनाने वाली थी, बट मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, मैं जोमेटो से ऑर्डर कर देता हूँ, वहाँ पर अच्छे से टेम्परेचर वगैरह चेक होता है, उसके बाद ही डिलीवरी होता है। तो यही सब बात कर रहे थे हम लोग, और फिर आगे देखते हैं क्या करना है। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ तब तक, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करती हूँ। शाम के लिए मैंने रेड कलर की स्कर्ट चूज़ कर ली थी, और किसी दूसरे सूट से मैंने वाइट कलर की कुर्ती को ले लिया था, और किसी तीसरे सूट से मैंने रेड कलर की चुन्नी को लेकर एक न्यू ड्रेस को रेडी कर लिया था। वैसे मैंने पर्पल कलर की साड़ी और ब्लैक कलर की ब्लाउज़ नेट की जो है वो निकाल के रखी थी कि मुझे ये पहनना है शाम को, बट मैंने अपना प्लान जो है वो स्विच कर दिया और मैं इस पर आ गई। तो ये जो अलग अलग कपड़ों को मैंने मिक्स करके एक अच्छा सा ड्रेस रेडी कर दिया था, मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था ये न्यू ड्रेस, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको ही आज पहन के देखती हूँ। वैसे तो हर एनिवर्सरी में मैं साड़ी पहनती हूँ, बट पहली बार मैंने कुछ इस तरह का ड्रेस रेडी किया है। आप बताना कि आपको ये कैसा लगा। अब बारी थी रूम को डेकोरेट करने की, तो जो गेस्ट रूम है उसे मुझे डेकोरेट करना था। कान्हा जो है पूरा का पूरा वो मैस कर देता है, पूरे सोफ़ा कुशन को, सोफ़ा कवर को नीचे फेंक देता है, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल सब वो ख़राब करके रख देता है। तो सब कुछ मुझे अच्छे से क्लीन करना था। उसके बाद मैंने लाइट्स के हेल्प से थोड़ा सा डेकोरेशन कर दिया, ज़्यादा कुछ मैं नहीं की थी, थोड़ा बहुत ही मैंने डेकोरेशन कर दिया था और थोड़ा सफाई कर दिया था। उसके बाद मैं कपड़ों को रेडी करने के लिए कान्हा के पापा को कपड़ों को रेडी किया, और कान्हा का भी जो कपड़ा है उसे प्रेस वगैरह किया मैंने। उसके बाद मैं तैयार होने के लिए चली गई थी, काफ़ी शाम हो गया था ये सब करने में। पूजा करने के बाद मैं तैयार होने चली गई। सो फ्रेंड, अभी मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन भी कर लिया है, और अब मैं रेडी होकर आ चुकी हूँ, और कान्हा को भी मैंने रेडी कर दिया है, इन्हें भी मैंने रेडी कर दिया है। और तो चलिए स्टार्ट कीजिए, आप सबसे पहले मुझे एनिवर्सरी तो विश कीजिए। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू यू। आपको भी बहुत 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 हैप्पी एनिवर्सरी। और आपको कैसा लगा इतने साल मेरे साथ रहकर? साल पता ही नहीं चला टाइम कैसे भी। देखिए आप झूठ मत बोलिए मेरे साथ, ठीक है? आप अपने दिल की बात बता सकते हैं। प्यार करते और ऐसे समय बीतते, मतलब इन्होंने ज्यादा लड़ाई की है प्यार करके। तो फिर आगे बताइए आप मुझे क्या गिफ्ट वगैरह दे रहे हो? सब कुछ तो तुम्हारा है, जो चाहे ले लो। और आप कुछ और बोलना चाहते हैं? बस बहुत मेहनत कर रहे हो, करते रहो, किसी तरह आगे बढ़ते रहो। मेहनत तो बहुत ज़्यादा है यूट्यूब करियर में, बट ठीक है, चलो देखते हैं इसमें भी क्या करना है। तो चलिए आपको अब वेट होगा कि मैं कब केक कट करूँगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो मेरी पहली ऐसी एनिवर्सरी है जिसमें मैंने साड़ी को नहीं पहना है, मैंने इस तरह का ड्रेस रेडी किया है, और चुन्नी अलग और कुर्ती अलग और जो स्कर्ट है वो भी बिल्कुल अलग है, सब तीनों को मिक्स करके मैंने ये ड्रेस रेडी किया है। आप देख सकते हो इस तरह की ड्रेस है, और अभी मैं आपको पिक्चर्स वगैरह भी सेंड करूँगी, तो आप देख लेना इसी वीडियो के लास्ट में। तो अब इन्होंने केक भी इधर से मंगा दिया है, और ये देखिए आप केक जो है वो रेड कलर है, चूँकि एनिवर्सरी है तो इस वजह से रेड कलर की केक है। और जो भी मिल गया, अभी सिचुएशन ठीक नहीं है बाहर का, तो जितना भी हो सकता है उतना भी ठीक है।
सा व्लॉग, एनिवर्सरी व्लॉग मेरा, आपको कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ये जो ड्रेस कोड मैंने रेडी किया हुआ है, आप इसके बारे में भी जरूर बताना कि ये कैसा लगा आपको। और मैं कमेंट का बहुत ज़्यादा इंतजार करूँगी, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। और ये था बोलो, हाय बोलो, हाय हाय हेलो। सो फ्रेंड, ये थी मेरी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।